मेरा नाम हाजी मोहम्मद शकील कुरैशी कहते हैं और नए शहर में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत आगे निकल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी, पहले लोग जो डरते थे, जो मरते थे, जो उलझन खाते थे, आज वो नहीं, डर खौफ निकल चुका भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों के प्रति, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो पार्टी है समाजवादी है या बसपा है, जो कुछ भी नहीं कर पाई, आज बहुत आगे निकल गई भारतीय जनता पार्टी। अगर एकजुट हो जाते हैं तो अब भी कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत ताकत में आ गया है आज। आज बहुत ताकत में आ गए थे, पीछे लाना बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जी जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है? पहले तो सबका विकास सबका साथ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ऐसा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अभी आप फोन करिए पुलिस ही पुलिस यहाँ होगी, और सरकारों में ऐसा नहीं होता, हमारा आदमी बैठ जाओ तुम्हारा आदमी छोड़ दो। बीजेपी सरकार में एक ऐसा शासन चला रही है, जाने के बाद पब्लिक याद रखेगी कि कोई सरकार आई थी। पहले तो हम चाहते थे जाए नहीं, और ये चली भी गई क्योंकि मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर जाती है तो ये लोग याद रखेंगे 20 साल की सरकार कोई थी। मोदी जो भी करते हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए नहीं अच्छा लगता हर आदमी को हर बात। मेरा होटल है, मैं 10 सब्जियां बनाता हूँ, 200 ग्राहक आते हैं, किसी को कलेजी पसंद है, किसी को भेजा पसंद है, किसी को पाया पसंद है, जरूरी थोड़ी सारे आइटम सभी को पसंद हूँ। हर आदमी का अलग अलग दिमाग है, अलग अलग चार, तो ये जरूरी नहीं है कि मोदी जी को हर आदमी को मोदी जी अच्छे लगे या योगी जी, हमें दोनों लोग पसंद है। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, ना अभी दंगा ना फसाद, होली इतनी शांति से है, हमने 58 साल की उम्र में आज तलक ना देखी ना सुनी, ना कोई घटना, ना कोई समस्या, ना कोई परेशानी, आराम से आदमी ने रंग खेला, जिसके आया डाला मजे में, जिसके आया नहीं डाला, जिससे पूछा, जिसने कहा डाल दीजिए उसने डाल दिया, नहीं तो जयराम जी की। तो जी कितनी बड़ी बात है भाई, छोटी बात है जी, इतनी सरकारें आती हमने तो देखा है, सरकारें आई हो गई, दंगे हो रहे, फसाद हो रहे, कहीं मारे जा रहे, कहीं कत्ल हो रहे, कहीं टकरा जा रहे, उन्हें कौन है, उन्हें फला साहब, उन्हें कौन है जी, कमाल हो गया साहब। होली में जरा सी भी घटना पूरे प्रदेश में नहीं जी, छोटी बात कहेंगे आप, बीजेपी शासन में, बीजेपी शासन में जरा सी भी कोई घटना नहीं पूरे प्रदेश में, क्या हिंदुस्तान की तो नहीं प्रदेश की हमें जानकारी है, तो कोई घटना नहीं होती तो इसको क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे कि खराब, बताइए आप। जी बिल्कुल बेकार है, ये तो बस नूरा कुश्ती है, गठबंधन कुछ नहीं है। अच्छा बताइए मेरी बात एक, आप लोग मुलायम सिंह नेता हैं, नेता रहेंगे, लेकिन अखिलेश साहब 5 साल सरकार नहीं है, सड़कों पे आए, इटावा आए, कहाँ आ रहे? अरे भाई सरकार नहीं है, लोगों से संपर्क करो, वोटर कोई सीधा नहीं है, वोटर बहुत टेढ़ा है। तो ये बताइए जी, 2019 के लोकसभा में जी बीजेपी बहुत ताकत में है भाई, अमित भाई बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई, झंडा पीछे लिए रह जाएंगे, विश्वास करो मेरी बात का। ये तो कहीं आए दाए भाई नहीं, जैसे हाथी एक निकलता है तो तमाम पैर में जुड़ जाए, टांग नहीं उठा पाएंगे, ये ताकत है आज। तो राज्यसभा में मायावती पहुंचाने के लिए गठबंधन कर रही है? जी 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 जी, तो ये है, तू मेरी ले, अब ऐसा है ना, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे खुले अल्फाजों में, अब समझदार है आप लोग, पत्रकार लोग हैं जी, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये मोदी साहब इतना आगे बढ़ गए, अब पीछे लगना बड़ा मुश्किल है। 100% बीजेपी 2019 में भी जीतेगी, ऐलानिया कह रहा हूँ मैं, ऐलानिया कह रहा हूँ, मेरी बोटी बोटी करा देना अगर बीजेपी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है बीजेपी। समझ रहे तो